हाय दोस्तों, मैं आज आपको स्ट्यू की एक और रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि पपीते का स्ट्यू है। उसके लिए मैंने उपयुक्त सामग्री ली है। पपीते को मैंने देखी दोस्तों क्यूब में काट लिया है ऐसे टुकड़ों में। आलू छोटे वाले आलू हैं, इसको दो टुकड़ों में काट लिया है, और अगर और छोटे हो तो पूरा आप साबुत रख सकते हैं। प्याज को मैंने ऐसे बीच में से कट लगा लिया है, और छोटे प्याज हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे मैंने सामग्री ले ली है। यहाँ पर अदरक क्रश कर लिया है, लहसुन को छुड़ा के उसको थोड़ा सा इमाम दस्ते में हल्का सा दबा दिया है, और खड़े मसाले में मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, जीरा लिया है, काली मिर्च ली है, छोटी इलायची और लौंग लिया है, एक दालचीनी ली है और एक बड़ी इलायची ली है, और नमक और चीनी स्वाद अनुसार, और साथ में कसूरी मेथी। दोस्तों मैंने एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। दोस्तों तेल गरम हो चुका है, मैं इसमें जीरा और लाल मिर्च डाल दूंगी। दोस्तों जीरा तड़क रहा है, अब हम इसी समय साबुत इलायची बड़ी वाली और दो छोटी और लौंग और दालचीनी डाल दूंगी, और काली मिर्च भी डाल दूंगी दोस्तों, अदरक और लहसुन डाल दूंगी। दोस्तों ये बहुत चटक रहा है, सब कुछ बहुत छीटे पड़ रहे हैं, तो थोड़ा जोर से कीजिएगा क्योंकि काली मिर्च भी फटती है और लौंग भी फटता है। इसे दोस्तों ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा हिला के हम इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे। हम प्याज डाल देंगे, इसी करके सब डाल देंगे। दोस्तों सेम आंच पे बना रही हूँ मैं, इस समय आँच कम कर दी है मैंने, नहीं तो अदरक और लहसुन जल जाएंगे। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी, और एक मिनट तक इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे आंच बढ़ा के। दोस्तों बहुत अच्छा अरोमा निकल रहा है, बहुत अच्छी महक आ रही है। आप चाहें तो इसमें तेज पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मुझे दोस्त ने लिखा था कि मतलब कलर बिना अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, तो स्टू अधिकतर ऐसा ही बनता है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा बॉयल टाइप का होता है, और इसमें खड़े मसाले ही पड़ते हैं, तो मैंने इसीलिए हल्दी को अवॉइड किया है, और बिना हल्दी भी अच्छा दिखता है ये, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, मैंने बहुत कम डाला है, वन थोड़ा सा पिंच करके डाला है। ये रोगियों के लिए भी बहुत अच्छी है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। दोस्तों हम पपीता डाल देंगे, दोस्तों इसको भी हम एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे तेज आंच पे। अभी हम नमक डाल देंगे, चीनी बाद में डालेंगे, आप स्वाद अनुसार नमक डालिएगा और चीनी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको शुगर की बीमारी है, आप चीनी नहीं खाना चाहते हैं, आप चीनी मत डालिएगा। दोस्तों हम इसमें एक कप पानी अभी डाल दे रहे हैं। दोस्तों मैं डेढ़ कप पानी डाल दे रही हूँ इसमें। दोस्तों अब हम लोग इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि सारी सब्जियाँ काफ़ी बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई हैं, तो हम सिम में भी पका सकते हैं। पहले हम सिम कर देंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम मीडियम कर लेंगे पानी देखने के बाद। अब इसको पूरा स्टीम में पकाएंगे, धीरे पकेगा ये। देखिए दोस्तों बॉयल हो रहा है, करीब 10 मिनट हो गए हैं। अब हम लोग इसको एक बार खोल के देख लेंगे। और हम लोग इसको थोड़ा चला देंगे, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े क्यूब्स में मैंने डाला है सब कुछ। देखिए चीनी डाल दे रही हूँ, अगर आपको ना डालना हो तो ना डालना। दोस्तों मैं कसूरी मेथी डालना भूल गई हूँ, मतलब 10 मिनट के बाद मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डाल देंगे इसमें। दोस्तों हम इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। तो अब स्ट्यू बन के तैयार हो गया है, अब हम लोग गैस बंद कर देंगे। सिम आंच में पकाया था दोस्तों, गैस बंद कर देंगे जिससे इसकी स्टीम इसी में अच्छे से, और ज़्यादा अरोमा इसका अच्छे से इसी के अंदर ठीक से रहे। दोस्तों थोड़ी देर बाद हम इसको खोल के, ढक्कन खोल के सर्व करें। दोस्तों इसकी महक बहुत ही अमेजिंग है, आप ज़रूर बना के खाइए। देखिए दोस्तों पपीते का स्ट्यू बन के तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी है,
इसकी महक लाजवाब है, आप सब जरूर बना के खाइए। मैं मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।